एक बात कहना चाहता हूं, सदन नियमों से चलता है, सदन परंपराओं से चलता है, नियम परंपराएं ही नियम बनाती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत सरकार की विदेश नीति, भारत सरकार की प्लीज सदन, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स फ्रेम्ड है कि अगर किसी मंत्री को कार्य करना होगा तो कैसे करेगा। हमारी विदेश मंत्री जी एक भगोड़े को लंदन में ट्रांजिट, अरे इस मोदी को नहीं, उस मोदी को कह रहा हूं भाई, ना प्लीज विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं, बहुत ही दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं कि विदेश मंत्री जी ने एक भगोड़े को जिसका नाम मोदी है, मोदी को लंदन में रहने के लिए वहां से ट्रांजिट वीजा देती है। ट्रांजिट वीजा देकर वो 15 ऐसे देशों में जाता है जो काले धन के लिए कुख्यात है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी बेटी वकील है उनकी, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा पति उनका वकील रहा है, उसे डायरेक्टरशिप ऑफर हुई, सब तो स्वीकार हो गया। अब इस्तीफा देने में शर्म क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं लेते हो इस्तीफा उनका, क्यों नहीं लेते हो इस्तीफा। जरा दूसरे पे आइए, मॉरिशस से 10 रुपए में शेयर खरीद के 96,000 रुपए में उसे फिर से खरीदा जाता है। यही नहीं, एक प्रॉपर्टी में एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है, वो उनका भी शेयर लगा है और उस भगोड़े मोदी का भी लगा है, उसके बाद भी शर्म नहीं है कि उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज की शताब्दी का सबसे भयंकर घोटाला किया आप लोग बैठे हुए हो। व्यापम घोटाले में सिर्फ वो रुपए रह गया, 48 जान लेने के दोषी भी आप हो, आप लोगों ने हत्याएं कराई 48 लोगों की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ जब साबित हो गया तो क्या चाहते हो कि सुषमा स्वराज जी का इस्तीफा इसलिए ना लिया जाए, वसुंधरा जी का इस्तीफा इसलिए ना लिया जाए, क्योंकि आप जहां प्रभावित करना चाहते हो, मेरी मांग है हम दूध पानी का पानी हो जाए। सुषमा स्वराज जी जब तक इस्तीफा नहीं देती, जब तक शिवराज जी इस्तीफा नहीं देते, जब तक वसुंधरा इस्तीफा नहीं देती, नकाब लगा था।